हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो लोग भी एसटीसी पे में अपना वीज़ा कार्ड अप्लाई किए हैं, फिजिकल कार्ड अप्लाई किए हैं, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा वीज़ा कार्ड कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि भाई मेरा वीज़ा कार्ड कब आएगा, और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई किसी को मिला या नहीं मिला, कब तक मिलेगा। तो मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका वीज़ा कार्ड कैसे आएगा, कब आएगा, तो आप खुद पता लगा सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोग खुद पता कर सकते हैं कि मेरा वीज़ा कार्ड कब आएगा और कैसे आएगा। तो जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। और बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई एसटीसी पे का जो वीज़ा कार्ड आएगा मेरे पास, तो उसका कोई सर्विस चार्ज या डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं लगेगा आपको, फर्स्ट नंबर तो जो वीज़ा कार्ड अप्लाई किए हैं वो फ्री में होगा। यानी अगर दूसरा बार अप्लाई करेंगे दूसरा कार्ड, तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, 200 रियाल, 500 रियाल जो भी आप अप्लाई करेंगे। अगर फ्री वाला अप्लाई करेंगे दोबारा, तो 20 रियाल कम से कम भरना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए। और तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा एसटीसी पे का जो वीज़ा कार्ड है वो कब आएगा। तो मैं एसटीसी पे से बात किया हूँ, तो उन्होंने कहा है कि सर थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो एसटीसी पे ने ये लॉन्च किया है, ये वीज़ा कार्ड का जो तरीका है लॉन्च किया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो सबके नाम का प्रिंट निकालना है, उसका सेट करना है, उसका वेबसाइट में हर चीज़ उसका एक्टिव करना है, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं, एसटीसी पे से बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं, अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, आप लोग भाषा सेलेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो आप, तो जो लोग फर्स्ट में अप्लाई किए उनको फ्री में मिलेगा, और जो लोग दोबारा अप्लाई करेंगे, डिजिटल कार्ड हो या फिजिकल कार्ड हो, दोनों को चार्ज देना पड़ेगा, महीने का या साल का वो लिमिट रखा गया है, 200 रुपया, और एक कार्ड का 500 रुपया। तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं एसटीसी पे से बात करके, या अपने एप्लीकेशन में जाकर बात चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना चार्ज लगेगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट मंथ अप्लाई किए हैं, तो एसटीसी पे ने उनको ऑफर दिया है कि उनका फ्री मिलेगा। तो हम लोग भी अप्लाई कर चुके हैं, एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी नहीं आया है। तो ये फर्स्ट मरतबा है, तो टाइम लगेगा, क्योंकि अलीनमा बैंक का भी हमने ATM अप्लाई किया था, तो उसमें भी कम से कम 6 या 7 दिन लगा था। तो एसटीसी पे का तो फर्स्ट मरतबा है, इनका जो प्रिंट करने में टाइम लगेगा, इनका जो सिस्टम है पूरा एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। और उन लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग एसटीसी पे के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसटीसी पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करने के लिए, और लोकल ट्रांसफ़र करने के लिए, और मोबाइल रिचार्ज करने के लिए बहुत आसान सा एप्लीकेशन है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और अपने देश में बिंदास पैसा भेज सकते हैं। इसमें ऐड करने का भी तरीका बताया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट में आएगा वो वीडियो, कि आप उसमें चेक कर सकते हैं, भेज सकते हैं कैसे भेजा जाता है, और इसमें पैसा भी ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें पैसा ऐड किया जाता है। तो बहुत आसान सा तरीका है। और एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जैसे कि नए नए रहते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट अकाउंट में भेज देते हैं। तो मेरे भाइयों, अकाउंट मत भेजिएगा फर्स्ट मरतबा, आप लोग अपने किसी दोस्त यार के नाम पे या घर के नाम पे भेजिएगा, अपने माँ बाप के नाम पे या भाई के नाम पे, वो आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।